दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बोट एयरड्रॉप्स 191G वर्सेस बोट एयरड्रॉप्स 115 के। इन दोनों एयरड्रॉप्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा एयरड्रॉप सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको 100 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा और वहीं पे स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन सा एयरड्रॉप सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है नॉर्मल यूज के लिए, साथ ही साथ में गेमिंग के लिए। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही एयरड्रॉप्स की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। दोनों ही एयरड्रॉप्स आपको प्लास्टिक पॉलीमर के मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो देखने को मिल जाएगा। बोट एयरड्रॉप्स 191G यहाँ काफी स्टाइलिश केसिंग के साथ में मिल रहा है और साथ ही साथ में इसमें आपको ब्रीदिंग एलईडी का सपोर्ट जो है दिया गया। तो जब आप इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पे आप एक पतली सी स्ट्रिप जो है ब्लिंक करेगी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा प्रीमियम देखने में लगता है। जबकि वहीं पे बात करें बोट एयरड्रॉप्स 115 की, तो ये आपको सिंपल केसिंग में देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों एयरड्रॉप्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बोट एयरड्रॉप्स 191G में आपको 2x6mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया, यानी कि आपको सिंगल बर्ड्स में आपको दो ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे 6x6mm के, यानी कि 12mm का ड्राइवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसमें आपको क्वाड माइक का भी सपोर्ट दिया गया, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो माइक दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ इसमें आपको ENC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल रहा है। और उसी के साथ साथ इसमें आपको बीस्ट मोड का भी सपोर्ट दिया गया और 65 ms की लो लेटेंसी का भी सपोर्ट जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी गेमिंग का मजा ले सकते हैं। जबकि वहीं पे बात करें बोट एयरड्रॉप्स 115 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 13 mm का इमर्सिव ऑडियो ड्राइवर यूज हुआ है और इसमें आपको क्वाड माइक नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया, यानी सिंगल बर्ड में आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ इसमें भी आपको ENC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ में इसमें भी आपको बीस्ट मोड दिया गया और यहाँ पे आपको काफी लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, तो इससे भी आप गेमिंग का मजा ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों एयरड्रॉप्स के बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बोट एयरड्रॉप्स 191G में आपको टोटल जो 30 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है दिया गया, जबकि वहीं पे बोट एयरड्रॉप्स 115 में आपको 24 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है मिल जाएगा। तो देखा जाए बैटरी बैकअप में, तो आपको 6 घंटे का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में उन दोनों बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको इंस्टा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि SF टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो आप फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इसको जल्दी से चार्ज कर लोगे। और यहाँ पे USB टाइप सी का भी सपोर्ट इन दोनों एयरड्रॉप्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें कनेक्टिविटी को लेकर, तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट इन दोनों एयरड्रॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो वाटर रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। बोट एयरड्रॉप्स 191G में IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है दिया गया, जबकि बोट एयरड्रॉप्स 115 में IPX4 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है मिल रहा है। साथ ही साथ में इन दोनों एयरड्रॉप्स में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट जो है मिल रहा है, यानी गूगल के साथ साथ आप सीरी को इजीली एक्सेस कर सकते हो इन दोनों एयरड्रॉप। ये कुछ स्पेसिफिकेशन रहा इन्हीं दोनों एयरड्रॉप्स के बारे में। अब प्राइस सेगमेंट को डिस्कस किया जाए, तो बोट एयरड्रॉप्स 191G की प्राइस है 1499 रुपए, यानी 1500 रुपए में मिल रहा है, जबकि बोट एयरड्रॉप्स 115 की प्राइस है 1599 रुपए, यानी कि 1600 रुपए में ये मिल रहा है। देखा जाए इन दोनों एयरड्रॉप्स में आपको 100 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा, लेकिन 100 रुपए के डिफरेंस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस जो है देखने को मिल जाएंगे उनकी बात करें, तो यहाँ पे आपको ऑडियो ड्राइवर का थोड़ा सा डिफरेंस जो देखने को मिल जाएगा और बैटरी बैकअप को देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में IPX रेटिंग को देखने को मिल जाएगा। तो बीस्ट मोड यानी कि गेमिंग के लिए जो है यहाँ 191G काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हो तो बोट एयरड्रॉप्स 191G आप परचेस कर सकते हो, 1500 रुपए का मिल रहा है, काफी स्टाइलिश केसिंग के साथ में, IPX5 रेटिंग है, 2x6mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया, साथ ही साथ में 65 ms की लो लेटेंसी भी दी गई है और यहाँ पे आपको ब्रीदिंग LED लाइट का सपोर्ट जो है दिया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा देखने में प्रीमियम लगता है। तो अगर आप परचेस भी करना चाहते हो तो बोट एयरड्रॉप्स 191G परचेस कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आप कोई दूसरा परचेस करना चाहते हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी अनबॉक्सिंग टेक के साथ, तब तक के लिए जय।